दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि कल कई बातों पर आपने विचार अवश्य किया होगा। इसी सोच के साथ हमारा आज का विषय है मोह। मोह का अर्थ होता है एक ऐसा आकर्षण जिससे छूटा ना जा सके, ऐसा खिंचाव जिस पर हम काबू ना पा सकें। यही होता है ना मोह। विवश होकर हम खींचे चले जाते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो मोह का पात्र कोई व्यक्ति हो सकता है, सत्ता हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, या शराब और जुए जैसा कोई व्यसन हो सकता है। जिस प्रकार लोहा चुंबक से छूट नहीं सकता, वैसे ही हम अपने मोह से छूट नहीं पाते। और हम मानते हैं कि मोह केवल हमारे प्रेम का गहरा रूप है। क्या ये सत्य नहीं? क्या हम मोह को प्रेम ही नहीं समझते? और फिर भी विचारकों ने, संतों ने मोह से छूटने का उपदेश दिया है। ऐसा क्यों है? हमें तो सदा ही हमारे मन का मोह प्रेम लगता है, किंतु गहराई से विचार करेंगे तो हम तुरंत ही जान पाएंगे कि प्रेम और मोह के बीच एक बुनियादी भेद है। प्रेम होता है तब हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं, जब मोह होता है तब हम किसी के सुख की कामना करते हैं। बस इतना सोचने पर प्रेम और मोह का भेद तुरंत ही समझ में आ जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति जब हमारे मन में प्रेम होता है तब हम उसे सुख देने का प्रयास करते हैं, उसके प्रति मोह होता है तब हम उसके माध्यम से स्वयं सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्या ये सत्य नहीं? प्रेम के केंद्र में हम नहीं होते, मोह के केंद्र में केवल हम होते हैं। ये तो व्यक्ति की बात हुई, किंतु किसी वस्तु के प्रति प्रेम और मोह में क्या ऐसा ही भेद होता है? विचार कीजिए। यदि हमें सत्ता और पद के लिए प्रेम है तो हम क्या करेंगे? स्वयं अपने आप को उस सत्ता या पद के लिए योग्य बनाएंगे। किंतु यदि मोह है तो हम उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। संपत्ति के लिए प्रेम है तो हम मेहनत करेंगे, यदि मोह है तो चोरी करेंगे। क्या ये सत्य नहीं? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए हमें मोह होता है, हमारे सारे सुख का आधार हम उसे ही मान लेते हैं। जब वो प्राप्त नहीं होता तो हमारे मन में विक्षिप्तता प्रवेश करती है, जुनून पैदा हो जाता है। रात दिन हम उस व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित का विचार नहीं करते। यही कारण है कि मोह से भरा व्यक्ति स्वयं को और समाज को हानि पहुंचाता है। तो क्या इस मोह से बचना इतना कठिन है? नहीं, मोह से छूटने का सरल सा उपाय है, मोह को प्रेम में परिवर्तित कर दें। अर्थात बस इतना जान लें कि हमारा सुख और दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण नहीं हो सकता। सुख और दुख ये तो हमारे अंतर का व्यापार है, हमारी आत्मा का स्वभाव है। जैसे ही हम किसी को अपने सुख का आधार मानना बंद करते हैं, क्या तुरंत ही हमारा पागलपन नहीं छूट जाता? एक छोटी सी बात से विचार समझा जा सकता है। बचपन में खेल के लिए पागलपन था, बड़े होने पर खेल के प्रति प्रेम अवश्य है, किंतु अब पागलपन नहीं, अर्थात मोह बांधने का प्रयास करता है, इसीलिए सदा ही दुख का कारण होता है। प्रेम मुक्ति देता है, इसीलिए सदा ही सुख का आधार बनता है। इस पर विचार अवश्य कीजिएगा।